जिगी 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 जिगी। हाँ जी, एरोप्लेन की तरह उड़ना है। मामा को क्या हो गया? क्या बात है नरगिस, जब से मैं आया तुम उतना लेटी क्यों? हाँ, आपको क्या है? किताब निकालिए और पढ़ने बैठ जाइए। मैं यहाँ पढ़ने नहीं, तुमसे और अली से मिलने आया हूँ, है ना? नहीं नहीं नहीं, बड़ा एहसान किया अमजद आपने। मैं आपसे सच कह रही हूँ, बहुत परेशान हूँ अमजद। बिजनेस तबाह होता जा रहा है दिन ब दिन। ये तो शौकत भाई की मेहरबानी है कि वो उसे संभाल लेते, वरना लाखों का खुर्द बुर्द हो रहा है। क्या नरगिस, हर वक्त हिसाब किताब लेके बैठी रहती है, फैक्ट्रियां, पैसा, दौलत, क्या यार? ये सब कुछ मैं अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए, आपके लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए करती हूँ। खुद सोचिए अमजद, जिंदगी में पुरानी चीजों की तो कोई अहमियत ही नहीं है, तो जिंदगी का क्या मजा? नरगिस, तुमने जिंदगी का मतलब इंतहाई गलत निकाला है। खैर, अब कुछ भी हो अमजद, अब आप ये लेक्चरर की नौकरी छोड़ दीजिए, मुझसे भी ये दूरी नहीं सही जाती। और जरा खुद सोचिए, चंद ही माह में हमारे यहाँ दूसरा मेहमान आने वाला है, और शौकत भाई बता रहे थे कि आप डॉक्टरेट करने के लिए लंदन जाना चाह रहे हैं। तुम चलोगी? बिल्कुल नहीं जाऊंगी, और ना ही आपको जाने दूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। नरगिस, डॉक्टरेट मेरा पैशन है। तो अपने ख्वाबों को अपनी आंखों से नोच के फेंक दीजिए। चाय मिली? कहकर आई थी मैं नीचे, लाई रही होगी वो। मेरा ख्याल है नहीं, अपनी चाय बनवा लो। अरे आपा, आप कैसी हो रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपा, आइए ना। सुरैया, खुश तो हो ना? जी आपा, मैं बिल्कुल खुश हूँ, आप बैठिए ना। और सुनाए आपा, मधु कैसी है? तुम्हारे लिए बहुत दुआएं करती है। अमजद कॉलेज गए हैं क्या? अमजद अपने घर गए हैं, मेरा मतलब है अपने पहले घर गए हैं। सुरैया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता जब अमजद अपने घर जाते हैं तो? नहीं आपा। खुल जाता है कैफे, यार जब मिले तो, चांस जब मिले तो, खुल जाता है कैफे। ऑफिस के ग्रुप में मस्तियां चले तो, बिस्तरों में घुस के कहानियां सुने दो, कि कभी किसी की हक तलफी ना होने देना, इसीलिए मैंने जबरदस्ती अमजद को उनके घर भेजा। बहुत दिल चाहता है कि मैं भी अपने ससुराल जाऊं, वहां जाकर उन लोगों से मिलूं, अमजद के बेटे को गोद में उठाकर ढेर सारा प्यार करूं। कितना प्यारा होगा ना उसका बेटा। देखो सुरैया, कभी अमजद की मर्जी के बगैर वहां जाने की जिद ना करना। हर औरत का दिल तुम्हारी तरह कुशादा नहीं होता। शौहर का बंटवारा हर औरत बर्दाश्त नहीं करती। सुरैया, कभी अमजद के घर से कोई मिलने के लिए नहीं आया? मेरा मतलब है उनका कोई भाई बहन या कोई रिश्तेदार? नहीं आपा, अमजद के एक ही बड़े भाई हैं, नवाबजादा शौकत, और उन्हें अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं मिलती। अच्छा,
ओ अमजद पुत्र, तू हेलीकॉप्टर में बैठ के दूरबीन लगा के भी देखेगा ना तो तुझे मेरी जमीनों की आखिरी हद नजर नहीं आएगी। पुत्र ये सब कुछ तुम्हारा ही है, संभाल इसे आके। छोड़ ये टीचरी, ये उस्तादी, इलेक्शन में हिस्सा ले। मैं तुझे पार्टी का टिकट भी दिलाऊंगा और अपने हलके के सारे वोट भी। सॉरी बाबा, मैं आवाम से मुनाफकत नहीं कर सकता। देखा बाबा आपने, इसकी यही बात है जो मेरा जी जलाती है। ओए अमजद पुत्र, ये मुनाफकत नहीं, और जीना है तो सर उठा कर जियो। और सर तभी उठते हैं जब असेंबलियों में जगह मिलती है, सीट मिलती है। ये पढ़ना पढ़ाना सर झुकाकर रखने के काम है। ओ पुत्र जरा ये तो सोच, जो सर उठकर जीते हैं उनके सामने लोग सर झुकाकर रखते हैं, उनको सलाम भी करते हैं। बस पुत्र छोड़ ये सब कुछ, तू बस वापस आ जा। बाबा दूसरों का सर झुकाकर इंसानियत को यरगमाल बनता हुआ मैं नहीं देख सकता, और ना ही मुझ में इतनी ताकत है। ओ अमजद पुत्र, नरगिस मेरी इकलौती औलाद है, मेरी वाहद वारस। ओ मैंने तुम्हारी और नरगिस की शादी इसलिए की थी कि तुम पढ़े लिखे हो, उसकी जमीन जायदाद की अच्छी तरह हिफाजत करोगे। और अब तो सब कुछ तबाह हो रहा है पुत्र। अब इस काम के लिए नरगिस को बहुत सारे पढ़े लिखे और ईमानदार लोग मिल सकते हैं। मुझ में ये क्वालिटीज नहीं है कि मैं इन बखेड़ों को संभाल सकूं। बाबा समझा दें इसे कि इसे तो वापस आना ही होगा, वरना। ओ अमजद पुत्र, बेहतर यही है कि तू वापस आ जा, और तुझे आना ही पड़ेगा। सॉरी बाबा, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे सुबह वापस जाना।